सो गाइस, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए एक 12 वोल्ट की रिले। एंड गाइस, उसके बाद आपको लेना है 220 ओम का एक रेजिस्टेंस। एंड इसके बाद आपको लेनी है एक 12 वोल्ट की ब्लू एलईडी एंड एक लेनी है आपको रेड एलईडी जो कि 12 वोल्ट की है। एंड आपको एक कैपेसिटर और ले लेना है 35 वोल्ट 1500 माइक्रोफेरेड, या फिर आप इसके बदले में 35 वोल्ट 470 माइक्रोफेरेड का भी कैपेसिटर ले सकते हैं। दोस्तों, अगर इसमें कम माइक्रोफेरेड का लगाओगे तो आपकी ब्लिंकिंग जल्दी जल्दी होगी, एंड ज़्यादा माइक्रोफेरेड का लगाओगे तो धीरे धीरे ब्लिंकिंग होगी। तो गाइस, चलिए बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कैपेसिटर का जो माइनस पॉइंट है उसको हम उस साइड में करेंगे, आप उधर में देख सकते हो, और जो प्लस वाला साइड है हमारे रिले का बीच वाला पॉइंट पॉजिटिव रहेगा एंड रिले से दूसरी साइड में वो नेगेटिव रहेगा जिस पर हमने कैपेसिटर लगाया है। एंड गाइस, अभी हम लगाने वाले हैं रेजिस्टेंस को जो रिले की फोर्थ नंबर पिन एंड कैपेसिटर की माइनस लेग पर आपको लगा देना है। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर लगा दिया है। एंड गाइस, इसको अच्छी तरह से सोल्ड कर देते हैं। सो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक 12 वोल्ट की ब्लू एलईडी जिसका आप पॉजिटिव साइड यहां पर देख सकते हो। एंड दोस्तों, नेगेटिव साइड अभी आपको कैपेसिटर के पॉजिटिव साइड के बगल वाले में है, उसमें आपको लगा देना है। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, मैंने यहां पर लगा दिया है एलईडी की माइनस और प्लस साइड, आप देख सकते हो, आपको क्लियर नज़र आ रही होगी, होप करता हूँ। तो गाइस, अब आपको क्या करना है, अब आपको रेड एलईडी लेनी है जो हमारी रेजिस्टेंस का दूसरा वाला साइड है उस पर लगानी है। एंड दोस्तों, कैपेसिटर के बगल वाली साइड में आपको माइनस वाले पर लगा देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो गाइस, आपको एक बार ठीक तरीके से दिखा दूं, आप देख लीजिए कि किस तरीके से यहां पर कनेक्शन हुआ है। तो गाइस, इतना करने के बाद अब हमारा थोड़ा सा ही काम हो चुका है, आधे से ज़्यादा काम हम यहां पर कर चुके हैं। तो गाइस, यहां पर हमको कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले पर 12 वोल्ट बैटरी की पॉजिटिव देनी है। एंड दोस्तों, जो एलईडी की नेगेटिव साइड है उस पर हमको नेगेटिव देना है। तो चलिए, जो हमारे पास ये पिंक कलर का वायर है यहाँ पर हम पॉजिटिव बैटरी का दे देते हैं। एंड दोस्तों, यहाँ पर जो एलईडी की नेगेटिव साइड है उस पर नेगेटिव वायर जोड़ देते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जोड़ दिया है। गाइस, कनेक्शन हमारे पूरे हो चुके हैं, अब देरी है इसको टेस्ट करने की। तो चलिए दोस्तों, इसको टेस्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि इसकी जो ब्लिंकिंग है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था, अगर आप कम माइक्रोफेरेड दोगे, कम यूएफ दोगे तो आपकी ब्लिंकिंग जल्दी जल्दी होगी, एंड ज़्यादा माइक्रोफेरेड दोगे तो आपकी ब्लिंकिंग तेज होगी दोस्तों, फास्ट होगी। तो आप यहां पर देख सकते हो, मैंने पावर सप्लाई ले ली है। तो गाइस, यहां पर मैं 12 से 14 वोल्ट की पावर सप्लाई ले रहा हूं, आप 12 वोल्ट भी ले सकते हो। मैं यहां पर 14 वोल्ट की पावर सप्लाई लेने वाला हूँ। तो आपको इसकी रीडिंग मैं चेक करा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 14 वोल्ट के अप्रॉक्स यहाँ पर रीडिंग आ रही है। तो चलिए, अब इसको कनेक्शन करके इसको टेस्ट करके देखते हैं हमारा जो काम है कैसा हो रहा है, हमारी जो एलईडी है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। और गाइस, इसकी आप ब्लिंकिंग देख सकते हो कितनी ही अच्छी है दोस्तों। आप 35 वोल्ट से नहीं है तो आप 25 वोल्ट भी ले सकते हो। और गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। सो गाइस, आप यहां पर देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ब्लिंकिंग हो रही है। तो अभी आप देख लो यहां पर कि कितने अच्छे तरीके से हमारा ये वर्क कर रहा है। तो गाइस, ये करने के बाद आप देख सकते हो, अगर आप यहां पर कम माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाते हो तो इसकी ब्लिंकिंग और फास्ट हो जाएगी। एंड दोस्तों, ज़्यादा माइक्रोफेरेड का लगाओगे तो इसकी ब्लिंकिंग और फास्ट स्लो हो जाएगी। सो गाइस, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड दोस्तों बेल घंटी का आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना ऐसी ही नई नई वीडियोस रोज़ देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।